हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है पोको का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग का ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको अबाउट फोन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है फैक्ट्री रीसेट, आप उस पर क्लिक कर देंगे। और फैक्ट्री रीसेट का दूसरा नाम है फ़ोन को रीसेट करना, या फिर अभी देखिए ऑल डाटा ये भी कह सकते हैं। एंड ये हम तब करते हैं फ़ोन का रीसेट जब आपके में हैंग हो रहा हो या फिर टच स्क्रीन प्रॉब्लम है, तब हम रीसेट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बाहर से कोई सो रहा है तो इसके लिए सॉरी। एंड इस पर क्लिक करते ही आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। पर इस पर क्लिक करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इसमें आपका अकाउंट है और कॉन्टेक्ट नंबर, फ़ोटोज़, अदर वीडियो है आपके फ़ोन में, तो वह सभी चीज़ें आपके फ़ोन से हट जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। और डाउनलोड ऐप यानी कि दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। तो इससे अच्छा आप दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करके उसके बाद इसे रीसेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास दो फ़ोन है तो आप दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करके तब इसको मतलब सभी चीज़ें दूसरे फ़ोन में शेयर कर लेंगे, तब इसको रीसेट कर सकते हैं। इससे आपके में जो होता है प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कम होगी। एंड वैसे इसी प्रकार से रीसेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और जो भी होता है हैंगिंग प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।